तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक खूबसूरत जिला सुकमा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सुकमा जिले की कई ऐसी अनसुनी बातें हैं जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए, देर न करते हुए फिर चलते हैं सुकमा की शानदार सफर में। सुकमा छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है, जो अपने कई मूल्यवान संसाधन और नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। वहीं सुकमा जिले को 1 जनवरी सन 2012 में दंतेवाड़ा जिले से विभाजित कर एक नया जिला बनाया गया था, जिसे 372 गांव, 135 ग्राम पंचायत, 3 ब्लॉक और 4 तहसीलों में बांटा गया है। वहीं तहसीलों में कोंटा तहसील, सुकमा तहसील, छिंदगढ़ तहसील और गादीरास तहसील शामिल है। इसके अलावा सुकमा ही छत्तीसगढ़ राज्य का एक ऐसा जिला है जो शिक्षा और विकास की राह में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब सुकमा भी राज्य के अन्य जिलों की तरह विकसित होगा, क्योंकि अब सुकमा में भी इंडस्ट्रियल एरिया की शुरुआत हो चुकी है, जो यहाँ की विकास को बढ़ावा देगा। वहीं सुकमा एक नक्सल प्रभावित जिला भी है, जो अपने नक्सलवाद के कारण पूरे भारत में एक खतरनाक जिला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सुकमा ही राज्य का दूसरा एकमात्र ऐसा जिला है जहां टीन की सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। वहीं सुकमा जिले में विभिन्न प्रकार के जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से गोंड, मारिया, हलबा, मुरिया, धुरवा और अन्य शामिल हैं। इतना ही नहीं, सुकमा जिले की कुल आबादी में मात्र 29% लोग ही शिक्षित हैं, जो भारत के सबसे कम पढ़े लिखे लोगों वाले जिलों में गिना जाता है। इसके अलावा सुकमा जिले में स्थित अंजे राम गांव, जो रामायणकालीन स्थल है, जहां ऋषि इंजी की आश्रम हुआ करता था, और कहा जाता है कि इसी गांव में भगवान राम ने ऋषि इंजी से मिला था। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला विज्ञान केंद्र भी सुकमा जिले में ही स्थापित हो रहा है। और तो और, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अधिक वन्य क्षेत्र वाला जिला सुकमा जिला ही है, जो कुल जिले की क्षेत्र में 65% का हिस्सा रखता है, जिसके कारण इस जिले को जंगलों की रानी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुकमा छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी हिस्से का एकमात्र ऐसा जिला भी है जो 3-3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है, जिसमें से तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसके अलावा सुकमा जिला ही आदिवासियों का गढ़ भी कहलाता है, जो यहाँ की कुल आबादी में 85% से भी अधिक के निवासी हैं। वहीं सुकमा जिला खासकर अपने खूबसूरत मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता से भरा झरनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वहीं बस्तर का रामेश्वर कहे जाने वाला रामाराम सुकमा जिले में ही स्थित है, जहां दूर दूर से लोग इस मेले की आनंद लेने और भगवान शिव एवं चिटमिटिन माता के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं रामाराम ग्राम में स्थित चिटमिटिन माता मंदिर पूरे सुकमा जिले की आस्था का केंद्र है, जहां रोज श्रद्धालुगण माता के दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप भी सुकमा जाए तो चिटमिटिन माता के दर्शन जरूर करें। इसके अलावा राज्य का एकमात्र जल, इतना ही नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सुकमा एक ऐसा जिला भी है जहाँ की सड़कें भारत के सबसे खराब विकसित सड़कों में गिना जाता है। वहीं सुकमा जिला बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है, जो कभी बस्तर जिले का एक महत्वपूर्ण तहसील हुआ करता था, और आज ये जिला बस्तर संभाग का एक नक्सली माओवादियों में प्रभावित जिला कहलाता है। सुकमा जिले की प्रशासनिक मुख्यालय भी सुकमा शहर में है। वहीं सुकमा जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो सुकमा जिला तकरीबन 5,897 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां की वर्तमान समय में जनसंख्या 2,80,000 के करीब है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरा सबसे छोटा आबादी वाला जिला कहलाता है। वहीं इस जिले की कुल आबादी में प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,007 महिलाएं हैं, और वहीं जिले की प्रत्येक आबादी 45 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहलाता है।
वहीं सुकमा जिले की 10% और बस्तर संभाग की राजधानी जगदलपुर से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं सुकमा जिले से 3 प्रमुख नदियां बहती हैं, गेर नदी, सबरी नदी और मालेंगर नदी। इसके अलावा सुकमा जिला शिक्षा के दृष्टिकोण से आज के समय में काफी पिछड़ा हुआ है, जहां की कुल साक्षरता दर मात्र 29% ही है। और यहां की शिक्षा संस्थानों को देखें तो शिक्षा महाविद्यालय कोंटा, गवर्नमेंट सहित बापूराव कॉलेज सुकमा, गवर्नमेंट महाविद्यालय कोंटा, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज कुमारस सुकमा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सुकमा एवं ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान जैसे कई और अन्य शिक्षा संस्थान यहाँ स्थित है। सुकमा जिले में चिटमिटिन माता मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर एंड झरना, मुनिपट्टा मंदिर, रामा राम शिव मंदिर, दुदम झरना, रानी दरहा झरना, इंजराम आश्रम एवं डांडा पद ही सुकमा की प्रमुख देखे जाने वाला स्थान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हमने बहुत मेहनत से बनाया है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।